हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर आई थिंक 11। यस, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। इसके पहले जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर एग्जर्टेड बाय सॉलिड नहीं है, चलो हटाते हैं। ओके, तो प्रेशर टॉपिक क्लियर कर दिया था। ओके, एक बार फिर से बता देते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ओके, और 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस। 1 पास्कल इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ओके, सो प्रेशर एग्जर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैसेस। सो गैसेस एंड लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग फ्रीली एंड सिंस दे डू नॉट पजेसेस एनी डिफिनाइट शेप ऑफ देयर ओन। ओके, गैसेस एंड लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग फ्रीली। जो गैसेस और लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्रीली होती है, मतलब फ्री फॉर्म में लाई करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, मींस एटमॉस्फेरिक जो कॉम्बिनेशंस होता है टू मॉलिक्यूल्स के बीच वो लेस होता है। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर क्या होते हैं इनके, गैसेस और लिक्विड्स के, फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, एंड सिंस दे डू नॉट पजेसेस एनी डिफिनाइट शेप ऑफ देयर ओन, इसीलिए इनका कोई भी डिफिनाइट शेप अपना नहीं होता है। ठीक है, ये जिस कंटेनर जिस उसमें फिल कर दिए जाएंगे वेसल्स में, वो उसी का ही शेप साइज ले लेंगे। ठीक है, दे अटेन द शेप ऑफ एनी वेसल दैट होल्ड्स देम। वही आ गई ना, वो उसी शेप को अटेन कर लेंगे। ठीक है, जिस पे वो होल्ड्स रखे गए हैं। ठीक है, फ्लूइड्स एग्जर्टेड प्रेशर, फ्लूइड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जैसे कोई फ्यूल या लिक्विड जब किसी कंटेनर में रखा जाता है ना, तो जो उसकी वॉल होती है और जो उसका बॉटम होता है उस पर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, दे आर पोर्ड इन टू, जो उस पर पोर्ड कराया जाता है। ठीक है, जो उसमें रखा जाता है। फ्लूइड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दे आर पोर्ड इन टू। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स गवर्निंग प्रेशर इन फ्लूइड्स। द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स का वो ऑल पॉइंट्स पर क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर किसी ग्लास में हमने या बाल्टी में, ठीक है, वाटर को फिल किया है, तो उसकी वॉल पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पर इक्वल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक है, सो द प्रेशर इन अ फ्लूइड, ठीक है, जो लिक्विड होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लेवल होता है, जैसे ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे लिक्विड्स के डेप्थ में जाते जाएंगे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो हॉरिजेंटल जो इसका वो होता है, ठीक है, जो लेवल होता है, सपोज दैट इस पे वाटर फिल है। ठीक है, सो सपोज दैट इस एरिया की बात करें, तो इस एरिया में जितने भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, वो सेम होगा ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, वो सेम होगा। फिर ये ऊपर वाले एरिया में आएंगे, इस एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। फिर ऊपर वाले, मतलब हॉरिजेंटल जो इसका एरिया है उस पर इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आई थिंक बात इतनी सभी को समझ में आ गई होगी। लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे डाउनवर्ड्स लिक्विड्स में हम जाते जाएंगे बॉटम साइड पे, तो उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर के लेवल पे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर उसका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए ये हॉरिजेंटल लेवल लिखा गया, हॉरिजेंटल लेवल।
हॉरिजेंटल लेवल ये होता है ना, ये वर्टिकल लेवल होता है और ये हॉरिजेंटल लेवल होता है। एच एल लिखे दे रहे हैं और ये वी एल लिखे दे रहे हैं, ये इसको बोला जाता है वर्टिकल लेवल और इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लेवल। ओके तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स गवर्निंग प्रेशर इन फ्लूड। सिर्फ टू रूल्स होते हैं, द प्रेशर इन अ फ्लूड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल, द प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। देखिए बात आ गई ना सेकंड वाली, जो मैं पहले बता रहा था कि जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेंगे ऊपर का, फिर आते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सो गैसेस एंड लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग फ्लोइंग फ्रीली। ठीक है, फ्रीली फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब फ्रीली फ्लो हो सकते हैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शंस में। एंड सिंस दे डू नॉट पजिजेज एनी डिफिनाइट शेप ऑफ देयर ओन, इसीलिए अपना ये डिफिनाइट शेप उनका नहीं होता है। दे अटेंड द शेप ऑफ एनी वेसल दैट होल्ड्स दैम, ये उसी वेसल्स का शेप ले लेंगे, साइज ले लेंगे जिस पर वो होल्ड्स किए जाएंगे। ठीक है, फ्लूइड एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन टू। ठीक है, फ्लूइड जो है एग्जर्ट प्रेशर करेगा वॉल पर और बॉटम पर, बॉटम ऑफ कंटेनर पर, जिस दे पोर्ड इन टू, जिस पर वो पोर किया जाता है। ठीक है, रखा जाता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स गवर्निंग प्रेशर इन फ्लूइड्स, द प्रेशर इन अ फ्लूइड्स इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजेंटल लेवल, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। ओके, सो अब एक्टिविटी के में आते हैं। टू शो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, अब एक यहां पर एक्टिविटी है कि जो वाटर बॉटम है, ठीक है, कंटेनर का डेप्थ ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, वो लिक्विड के कॉलम पर, लिक्विड लेवल पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मींस अगर वाटर लेवल कम होगा तो कम प्रेशर एग्जर्ट होगा, वाटर लेवल अगर इंक्रीज होगा, हाई होगा तो प्रेशर मोर एग्जर्ट होगा। ठीक है, सो मटेरियल टू ग्लास ट्यूब्स ओपन एट बोथ एंड्स, टू ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, रबर बैलून्स वाटर, ओके रबर बैलून लेंगे एंड वाटर लेंगे, और वेसल्स ऐसा लेना जो दोनों साइड से क्या हो, ओपन हो। टेक टू ग्लास ट्यूब्स दैट आर ओपन एट बोथ एंड्स, फिक्स रबर बैलून एट द लोअर एंड, लोअर बैलून को फिक्स कर लेंगे एंड ऑफ द एंड ऑफ बोथ द ट्यूब्स। इफ इन वन ग्लास ट्यूब फिल वाटर अप टू हाफ ऑफ हाफ द कॉलम हायर। ठीक है, अगर एक ग्लास ट्यूब में जो वाटर लेवल है वो हाफ ऑफ द कॉलम लेंगे एंड इन ऑर्डर नियरली फुल, और एक में फुल लेंगे। ऑब्जर्व द बैलून्स, ऑब्जर्वेशन यू विल नोटिस दैट द बैलून्स स्टार्ट ब्लगिंग आउटवर्ड्स, मतलब फैलने लगेगा। ठीक है, उसमें वाटर फिल होने लगेगा। द एग्जर्ट ऑफ बल्ग डिपेंड्स ऑन दी हाइट ऑफ दी वाटर, जो बल्ब्स जो है, जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बैलून्स पर, वो वाटर की हाइट पर डिपेंड करेगा। दैट इज द ट्यूब कंटेनिंग मोर वाटर, अगर ट्यूब ज़्यादा वाटर कंटेन करे, इसका मतलब क्या होगा, अगर ट्यूब ज़्यादा वाटर कंटेन करे द बल्ब विल बी मोर देन, जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा दैट ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग लेस वाटर, जिसमें कम है उसका बैलून कम फूलेगा और प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा। कंक्लूजन, दिस शोज दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, नेक्स्ट, टू शो दैट लिक्विड्स एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। तो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल वाटर, टेक अ प्लास्टिक बॉटल इन पंच फोर होल्स, इसमें होल्स कर लेंगे दी एट नियर दी बॉटम, बॉटम के पास एट दी सेम हाइट पर।
ठीक है। नाउ पोर सम वाटर इन द बॉटल। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ऑल होल्स विथ द सेम फोर्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। ठीक है, देखेंगे कि अगर जो हमने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हमने होल्स कर रखे हैं, जब इसमें जो होल्स करेंगे ना, तो वाटर का जो बाहर निकलने का जो प्रेशर है वो देखेंगे सेम हाइट का होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर होंगे वो थोड़ा उतनी दूर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, सो कॉन्क्लूजन, दिस एक्टिविटी मींस इसका क्या है, ऊपर से मतलब नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर है वो सेम एग्जर्ट हो रहा है, चाहे हम इस साइड होल करें, चाहे पीछे साइड, चाहे इधर साइड, चाहे फ्रंट साइड। ठीक है, सेम हाइट पर वाटर क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। ठीक है, सो यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम ऑल दी होल्स विथ द सेम फोर्स एंड फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, और सेम डिस्टेंस पर वाटर फॉल हो रहा होगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट लिक्विड्स एग्जर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस एट अ गिवन डेप्थ। ओके, तो आप इस एक्टिविटीज़ को जो है ना घर में भी कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटीज़ हैं। ओके, लास्ट है, टू शो दैट लिक्विड्स एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सो प्लास्टिक बॉटल, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, टिन रबर शीट। ओके, सो टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम। ठीक है, ये देखिए, एज शोन इन द पिक्चर, मेक श्योर दैट द वाटर डजेंट लीक फ्रॉम द जॉइंट। मेक श्योर हो जाए कि जॉइंट से वाटर लीक तो नहीं हो रहा है। इफ देयर इज एनी लीकेज, सील इट विथ मोल्टन वैक्स। मोल्टन वैक्स के थ्रू इसको सील कर देंगे। ठीक है, कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब को क्या करेंगे, माउथ को कवर कर देंगे विथ अ टिन रबर शीट। Now fill the bottle up to half with water. ठीक है, half water से observe what happen to the rubber sheet fixed in the glass tube. So observation, the rubber sheet bulks फूल जाएगी, bulks हो जाएगी, बढ़ जाएगी when bottle is half filled with water. जब bottle को water के through half filled कर देंगे। Conclusion, the bulging of the rubber sheet fixed to the glass tube indicates that liquid exerts pressure on the wall of the container. Okay, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो लिक्विड्स है वो प्रेशर को एग्जर्ट्स करता है कंटेनर की वॉल पर। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको 8 से स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका डेट शीट होगी। ठीक है, सो बाय, टेक केयर। वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुका है, 13 मिनट्स क्रॉस कर चुका है। सो बाय, टेक केयर।